वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को फतेहपुर के रैहन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी महामंत्री त्रिलोक कपूर ने जसूर स्थित बीजेपी कार्यालय में बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की निजी गारंटी को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा से एक ऐसे अनुभवी और नौजवान प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है कि जिनका संगठन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। वो अनेकों जिम्मेवारियों में संगठन का कार्य देखते रहे हैं। ऐसे सामान्य एक कार्यकर्ता राजीव भारद्वाज जी। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो इस जिला के किसी भी या इस संसदीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग से जिनका कोई दूर दूर का संबंध ही नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी इस सीट पे चुनाव लड़े तो उनको 2,48,000 मत पड़े, लेकिन वो इस कांग्रेस से संबंध रखते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन 2,48,000 से जुड़े विचारिक परिवार से भी एक ऐसा कोई नौजवान या कोई नौजवान हमारी बहन नहीं मिली जिसको वो कांगड़ा की सीट से चुनाव मैदान में उतार सके। और कांगड़ा के लोगों में एक संदेश चला गया है कि जो हमारा अपना है वो हमारा अपना है। और लोग इस बात को भी महसूस कर रहे कि कहीं गलती से कांग्रेस के प्रत्याशी को जता दिया तो लोग कहां जाएंगे मिलने, कहां ढूंढेंगे उनको। और वो कांगड़ा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो लंबे समय तक प्रदेश और देश की राजनीति में रहे होंगे, लेकिन कांगड़ा के लोगों के साथ उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसका कारण क्या है? आप लोगों में चर्चा है कि यहां पर कांग्रेस का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता इस मोदी जी के विकास की सुनामी के आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पाया। तो हमें तो ये लगता था कि कहीं ये जो प्रत्याशी आए हैं ये सूरत और इंदौर की तरह लास्ट में अपना पर्चा ही वापस ना ले। अगर पर्चा वापस ना भी लिया, अगर चुनाव मैदान में डटे रहे तो ये मैं कह सकता हूं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हिमाचल के इतिहास में आज तक लोकसभा के जितने भी हार जीत के जो रिकॉर्ड बने हैं एक नया हार का रिकॉर्ड हिमाचल की देव धरती में स्थापित हो जाएगा। इस संभावना को कोई नहीं नकार सकता।